हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल के बारे में। हम क्या देखेंगे? डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल के बारे में। पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने देख लिया है पूरा नेफ्रॉन का हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं किडनी का। किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन के हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। हमने देख लिया है ग्लोमेरुलस के बारे में, हमने देख लिया है बाउमिन्स कैप्सूल के बारे में और हमने देख लिया है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल के बारे में। और हमने किसके बारे में देखा है? हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल के बाद हमने अब इस पोर्शन में हम देखेंगे डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल के बारे में। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया हूं इसको बहुत ज्यादा इनलार्ज कर दिया हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देता हूं इसको कि डायग्राम क्या है, तभी आप समझ पाओगे कि मैंने बनाया क्या है, ठीक है? ये क्या जा रही है? कैपिलरीज जा रही है ऊपर, नेफ्रॉन के ऊपर एक कैपिलरीज जा रही है, ठीक है? अब कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल हमने पहले देख चुका है कैसे किस तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रहता है। ये यहाँ से कैपिलरी आती है, ठीक है? ये बाउमिन्स रहता है ना, बाउमिन ग्लोमेरुलस रहता है, ग्लोमेरुलस में ही रहता है बाउमिन्स कैप्सूल, ठीक है? ये रहता है बाउमिन्स कैप्सूल, ठीक है? तो ये क्या है? ये कैपिलरी जा रही है, कैपिलरी में ये ग्लोमेरुलस, ये है आपका बाउमिन्स कैप्सूल, बाउमिन्स कैप्सूल के नीचे है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल, और ये जो घूम के ऊपर जाता है ये क्या है? लूप ऑफ हेनली, या हेनलीज ट्यूब भी बोलते हैं इसको। और यहां से जो फिर ये पोर्शन मुड़ता है और इस तरीके से नीचे आता है। तो मैंने किस चीज का डायग्राम बनाया है? मैंने ये जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन का डायग्राम ये बना हुआ है। आई बात समझ में? ये क्या है? ग्लोमेरुलस है, कैपिलरी जा रही है, बाउमिन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल, फिर ये है लूप ऑफ हेनली या हेनलीज लूप जो हमने कल पढ़ा था। उसके बाद फिर ये क्या पोर्शन है ऊपर जब आता है, जो असेंडिंग पार्ट रहता है किसका? लूप ऑफ हेनली का असेंडिंग पार्ट, ये जो ये असेंडिंग पार्ट है वो जुड़ जाता है किससे? डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल से। डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल। अब जो इसके नीचे जो ये पोर्शन आएगा ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है? ये पोर्शन है कलेक्टिंग डक्ट, जिसकी हम इसके बाद स्टडी करेंगे। डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल के बाद जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। तो आज हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल के बारे में, ठीक है? अब समझ में आ गया डायग्राम कि हमने किस चीज की स्टडी कर रहे हैं। ये पोर्शन निकाल के मैंने इधर रख दिया है, इसमें जो मेम्ब्रेन वेसोलेटरल जो लेयर रहती है सेल की उसको खींच दिया है हमने इसको समझने के लिए, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं इसको। अब इतना समझ में आ गया ये हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं। अब ये जान लो, थोड़ी सी हम इसके पहले हिस्टोलॉजी देखेंगे फिर इसके हम फिजियोलॉजी में जाएंगे। मेनली हमारा जो फोकस हमारा हिस्टोलॉजी में ही है, पर इसका ज्यादा हिस्टोलॉजी ना होने के कारण हम इसके साथ साथ फिजियोलॉजी भी देखते हैं, ताकि हमको टॉपिक भी सुनने में पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगना चाहिए ना, तभी तो बच्चे ध्यान से देखते हैं। इसलिए हम थोड़ी फिजियोलॉजी देखते हुए हम इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्टोलॉजी देखने के लिए सबसे पहले इसका जो लेंथ होती है, यानी जो डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल की लेंथ होती है, यानी ये जो लेंथ है इसकी लेंथ होती है नेफ्रॉन के अंदर, इसके जो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर रहता है जिसका एक पार्ट होता है डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल, उसका जो लेंथ होता है वो होता है 4.6 to 5.2 mm। कितनी होती है मिलीमीटर की? 4.6 से 5.2 mm की इसकी लेंथ होती है, ठीक है? इतनी बात क्लियर होगी। अब जो इसका डायमीटर होता है, यानी जो ट्यूबुल है, ट्यूबुल की जो चौड़ाई है, यानी इसका डायमीटर, इसका डायमीटर होता है 20 to 50 μm, ठीक है? इसका डायमीटर होता है 20 to 50 μm और इसकी लेंथ होती है 4.6 to 5.2 μm, ठीक है? इतनी बात क्लियर होगी। अब इस सेल में इसकी जो लेयर रहती है डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल की, उसमें सेल की लाइनिंग रहती है ना। डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल एक सेल से बनता है। अब कौन सी सेल की लाइनिंग रहती है अंदर? उसके अंदर रहती है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। कौन सी सेल रहती है? क्यूबॉइडल एपिथीलियम। अब इधर मैंने बनाया है क्यूबॉइडल एपिथीलियम, थोड़े से पार्ट में बनाया आपको समझाने के लिए। देख रहे हैं क्यूब्स में जो सेल क्यूब्स में रहते हैं उनको बोलते हैं क्यूबॉइडल, यानी चौकोन शेप में रहते हैं ना, चौकोन शेप वाले जो सेल्स रहते हैं उनको बोलते हैं क्यूबॉइडल सेल्स। और क्योंकि एपिथीलियम का एक ब्रांच है इसलिए इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम सेल्स, ठीक है? अब इन क्यूबॉइडल एपिथीलियम्स में ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस नहीं रहता है। ब्रश बॉर्डर यानी कि जो हमारा घिसने का टूथ ब्रश हो गया, कपड़े धोने का ब्रश हो गया, वो उसको बोलते हैं ब्रश। उसके ऊपर ऐसा रेशे रहते हैं ना जिसकी वजह से आप घिस पाते हो चीज़ों को, धोते हो,
तो वैसा अपीयरेंस इसका नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? इसलिए नहीं रहता है क्योंकि इसमें जो माइक्रोविलाइज रहती है वो बहुत कम रहती है, बहुत कम और छोटी छोटी रहती है। और अगर देखा जाए तो इसका जो आपका नॉर्मल जो आपका मोनिकुलर और बाइनोकुलर जो माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, उनमें तो हम इसको देख ही नहीं सकते। इसकी माइक्रोविलाई को हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में नहीं देख पाते हैं। इसमें जो माइक्रोविलाई रहती है वो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की में जब इसकी स्लाइड को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाली स्लाइड में जो माइक्रोविलाई दिखती है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी साइज में होती है सेल्स के ऊपर और बहुत कम होती है। देख रहे हैं मैंने बहुत कम कम बनाया है, मैंने एकदम से ज़्यादा तो बना नहीं दिया है, ठीक है, कि बहुत ऐसे ज़्यादा ऐसा नहीं बनाया है ना, बहुत कम कम बनाया है। क्यों कम कम बनाया है? क्योंकि भाई बहुत कम रहती है इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस नहीं रहता है। तो अब हिस्टोलॉजी में अगर आप इसको आंसर करोगे तो कैसे आंसर करोगे? भाई जो डिस्टल कॉर्डिनेटेड ट्यूब है इट्स लेंथ इज 4.6 टू 5.2 mm, लेंथ इतनी रहती है। इट्स डायमीटर इज इट्स ट्यूब्यूल्स डायमीटर इज 20 टू 50 mm, है ना, एंड देयर इज अ सेल लाइनिंग द डिस्टल कॉर्डिनेटेड ट्यूब्यूल, जो सेल लाइनिंग रहती है इसमें डिस्टल कॉर्डिनेटेड ट्यूब्यूल में, इट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच डज नॉट हैव ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जिसमें ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस नहीं रहता है। ओनली इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन सी स्मॉल पोर्शन एंड स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ माइक्रोविलाई, सिर्फ हम किसमें देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही इसके छोटे छोटे माइक्रोविलाईज को देख सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई, थोड़ा सा आगे बढ़े और एक पॉइंट और है, जो पोर्शन यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे कैपिलरी जा रही है और ये है कैपिलरी, कौन सी है? ये है आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, कौन सा है? एफरेंट एट्रियोल है। तो एफरेंट एट्रियोल के ऊपर रहते हैं आपके जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, क्या रहते हैं? जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रखते हैं, जुक्स्टा यानी JUXTA, है ना, JUXTA, जुक्स्टा ग्लोमेरुलस, है ना, जुक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स रहते हैं। अब जो एट्रियोल मतलब एफरेंट एट्रियोल पे जुक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स रहते हैं, उस पोर्शन में जो सेल्स रहती हैं, बात समझ, ध्यान से समझना कि एफरेंट आर्ट्रियोल जा रही है, जिस एफरेंट एट्रियोल के पास इसकी लाइनिंग रहती है ट्यूब्यूल की, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जिस एफरेंट मतलब एफरेंट एट्रियोल से जुड़ा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, और वहां पे जुक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स रहती है, उस वाले पोर्शन में ट्यूब्यूल में जो न्यूक्लियस रहता है वो हाईली न्यूक्लिएटेड रहता है, जो सेल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? हाईली न्यूक्लिएटेड रहते हैं। देख रहे हो बहुत ज्यादा न्यूक्लियस दिख रहे हैं इसमें, हाईली न्यूक्लिएटेड रहते हैं। फिर से समझ लो बात को, अगर समझ में नहीं आई है, कि जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का पोर्शन है वो पोर्शन एफरेंट एट्रियोल से चिपका हुआ रहता है, है ना, कोई भी पोर्शन हो सकता है, या तो ये पोर्शन, या तो ये पोर्शन, या तो ये पोर्शन, या तो ये पोर्शन, जो भी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का पोर्शन है अगर एफरेंट एट्रियोल से जुड़ा हुआ है, वहां से वो एफरेंट एट्रियोल जा रही है और वहां पे जुक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल है ना, जुक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स है वहां पर, तो वो पोर्शन जो है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का, उस पोर्शन में जो सेल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? हाईली न्यूक्लिएटेड रहेंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है, वो पोर्शन में जो सेल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? हाईली न्यूक्लिएटेड रहेंगे। अब एक और बात आ गई यहाँ पे, वो हाईली न्यूक्लिएटेड रहेंगे और उस टर्न को बोलते हैं जो एरिया हाईली न्यूक्लिएटेड रहता है बिकॉज ऑफ एफरेंट एट्रियोल एंड जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, उस एरिया को बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, क्या बोलते हैं उसको? मैक्यूला डेंसा बोलते हैं उस एरिया को जहां पे जो सेल्स रहती है वो हाईली न्यूक्लिएटेड रहती है। क्यों? क्योंकि वहां से क्या जा रहा है? एफरेंट एट्रियोल जा रहा है और क्या चीज जा रही है वहां से? जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जा रहे हैं। बात क्लियर हो गई, अब आगे बढ़े हम हिस्टोलॉजी में, हमने क्या क्या देख लिया इसका, हिस्टो का हमने थोड़ा सा पॉइंट देखा इसका, क्या पॉइंट देखा हमने? इसकी जो लेंथ रहती है भाई वो रहती है 4.6 से 5.2 mm की, है ना, और इसका डायमीटर रहता है 20 टू 50 mm का इसका डायमीटर रहता है, ठीक है। इसमें जो सेल्स की जो लाइनिंग रहती है वो रहती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब जो सेल्स के ऊपर ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस नहीं रहता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोविलाइज नहीं रहती है, पर बहुत शॉर्ट पोर्शन में बहुत छोटी छोटी माइक्रोविलाइज रहती है जिसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं, ठीक है, इसलिए इसका अपीयरेंस ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब जो जो पोर्शन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का अटैच रहता है
एफरेंट एट्रियोल से और जुगस्टा ग्लोमेरुलस सेल से उस पोर्शन में जो सेल्स रहते हैं वो हाईली न्यूक्लिएटेड रहते हैं, और वो जो हाईली न्यूक्लिएटेड सेल्स रहते हैं उस एरिया को बोलते हैं मैस्कुला डेंसा। क्या बोलते हैं उस पोर्शन को? मैस्कुला डेंसा। अब हमारी हिस्टोलॉजी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, इसकी हिस्टोलॉजी इतनी है। और एक और चीज़ हो गई, यहाँ इसका जो साइटोप्लाज्म रहता है वो लाइट यूसिन स्टेन देता है, ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्म रहता है, सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है इसका, वो लाइट यूसिन स्टेन देता है, यानी जब इसकी यूसिन की स्टेनिंग करेंगे तो बहुत हल्के कलर में वो उभर के आता है उसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। डार्क और डेंस उसका अपीयरेंस नहीं रहता है, कितना क्या रहता है, लाइट अपीयरेंस रहता है। तो क्या करता है भाई इसका हिस्टोलॉजी में, हमने सारे पोर्शन देख लिए और लास्ट पॉइंट क्या था, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो लाइट यूसिन स्टेन देता है। अब यहाँ पे हमारी हिस्टो कंप्लीट हो गई, जब हिस्टो का क्वेश्चन आएगा तब ऐसा भी जवाब देना, और फिजियोलॉजी में जब आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे फिजियोलॉजी में इसके, हिस्टो कॉन्टेबल की अब आगे डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ ऊपर, ये जो पोर्शन है ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है, ये सेगमेंट इतना ही था। अब हम इसके फिजियोलॉजी देख रहे हैं, आपको मैंने इसके पहले पढ़ा था प्रॉक्सिमल कॉन्टेबल के बारे में, अब लूप ऑफ लोअर लूप ऑफ हेनलीज के बारे में, तो लूप ऑफ हेनलीज वाला भी वीडियो देखिए जरूर, अगर नहीं देखेंगे तो ये जो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना समझ में नहीं आने वाला अगर आप प्रीवियस वीडियोस में ही देखते हो, क्योंकि हर मेरे वीडियोस दूसरे वीडियो से कनेक्टेड रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी बातें रहती हैं जो कॉन्सेप्ट में उसमें क्लियर करता हूँ, उन क्लियर कॉन्सेप्ट से जब आप नेक्स्ट वीडियो देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बार 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 रिपीट नहीं करूँगा एक ही चीज़ को, ठीक है, इसलिए मैं जो प्रीवियस वीडियोस में जो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपका जो नेक्स्ट वाले वीडियो जब आप देखो तो आपको इजी जाए समझने में, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम, तो ये जो क्या है, मैंने बेसोलेटरल लेयर को खींच के बना दिया है, यहाँ पे दिख रही है बेसोलेटरल लेयर हमने खींच के बना दिया है, ठीक है। तो अब जो इसको हम थोड़ा डिवाइड कर देंगे, ये पोर्शन को हमने अलग कर दिया, ठीक है, कौन सा पोर्शन अलग कर दिया, ये दो सेगमेंट को अलग कर दिया और इस एक सेगमेंट को अलग कर दिया। हमको पहले स्टडी करना है इन दो सेगमेंट की, तो ये जो सेगमेंट की जब हम स्टडी करेंगे तो इसको बोलते हैं अर्ली डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी को मैंने मतलब डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो ये कौन सा पोर्शन है, ये है अर्ली डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला पोर्शन। अब ये जो राउंड वाला पोर्शन है ये पोर्शन कौन सा है, ये लेट डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कौन सा पोर्शन है, ये है लेट डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो अभी पहले हम अर्ली वाले की बात करेंगे, ठीक है। तो जब असेंडिंग पोर्शन जो रहता है किसका, असेंडिंग पोर्शन रहता है लूप ऑफ हेनलीज का, आके कनेक्ट होता है कहाँ पे, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। जब कनेक्ट होता है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे भी हमने देखे लूप ऑफ हेनलीज में बहुत सारे सिक्रीशन हुए, एब्जॉर्प्शन हुए, ठीक है, और बहुत बहुत चीज़ें क्या होगी इम्परमेबिलिटी के कारण कहीं कहीं लेयर की कुछ कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाती थी, ठीक है, वो भी चीज़ों की हमने स्टडी करे। अब आप जब यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं आगे तब देख रहे हैं यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर जो पोर्शन बचा हुआ है, यानी जो जो कुछ कुछ आपके जो एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है वहाँ पे आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फिर एब्जॉर्ब हो गए, कुछ लूप ऑफ हेनलीज में एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, 65% तो वहीं पर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द परसेंट जो कुछ कुछ बच जाता है, तो कितना परसेंट अब बच गया है भाई एब्जॉर्ब होने के लिए और सीक्रेट होने के लिए, अब बच गया है 10%, कितना बच गया है, 10% सोडियम बच गया है और 20% वाटर बच गया है, बात समझ में आ गई। बाकी के जो हमने वीडियोस जो बनाए हैं, मैंने जो लेक्चर्स लिया हूँ उस पोर्शन में क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई, 60-70% क्या एब्जॉर्ब हो गई, बाकी भी सोडियम वाटर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब हो गए, अब 10% बचा है सिर्फ सोडियम और हाइड्रो आपका वाटर, इतने इतने परसेंट बचा है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और इसका जो ऑस्मोलैलिटी क्या कितनी है, इसकी 200 से 300 है, ठीक है, कितनी है ऑस्मोलैलिटी इसकी, 200 से 300। अब ऑस्मोलैलिटी के बारे में भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जो मैंने लूप ऑफ हेनली का जो पहला वीडियो बनाया हूँ उसमें मैंने आपको ऑस्मोलैलिटी का बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, तो अब मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूँगा, आप वाला वीडियो देखो तब आपको ऑस्मोलैलिटी समझ में आएगी। इसकी ऑस्मोलैलिटी कितनी है, 200 से 300 रहती है, यानी इतना ही इसमें पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इतनी इतने परसेंट की चीज़ें बची हुई हैं, अब इस पोर्शन में आ जाओ, ठीक है, अब इस पोर्शन में आ जाओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम वही चीज़ें हो रही है जो हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पढ़ा था, यहाँ पर चैनल्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं ये चैनल्स, अब इन चैनल्स में से क्या जा रहा है, चैनल्स का काम क्या है,
ट्रांसफर करना चीजों को, यहां से वहां क्या होती है जो चीजें यहां पे एब्जॉर्ब होती हैं, एब्जॉर्ब होकर इस चैनल के थ्रू क्या हो जाती है वो मेडुलरी इंटरस्टीशियल स्पेस में जाती है, और या तो वो कैपिलरीज में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है वो चीजें, ठीक है। अब वो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब किसके द्वारा होंगी, यहाँ पे क्या हो रहा है हमेशा जब भी सोडियम जाता है तो अपने साथ क्या चीज एक अंदर एक चीज को अंदर लेकर आ जाता है, ठीक है। सोडियम गया यानी वहां से दूसरी जगह से कोई चीज अंदर आई, ठीक है। यहां से सोडियम जाएगा तो अपने साथ किसी को लेकर जाएगा, पर अंदर से जब सोडियम जाएगा यहां से निकलेगा तो यहां से जब वो बाहर निकलता है वैसोलेटरल लेयर से तो बाहर से एक चीज अंदर लेकर आ जाता है, मतलब जो सोडियम का ग्रेडियंट प्रेशर है यानी जैसे सोडियम गया और वहां से दूसरे को अंदर भेज दिया, बात समझ में आई मेरी, यानी कि जैसे वैसोलेटरल लेयर में से सोडियम बाहर निकला और वहां जो चीजें प्रेजेंट है उसको उसने अंदर कर दिया और सोडियम बाहर हो गया, इस तरीके से सोडियम एक्ट करता है, बात समझ में आ गई, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है जब सोडियम जाता है तो साथ में सारी चीजों को लेके जा रहा है, सारे मतलब जो एलिमेंट्स उसके साथ जा रहे हैं, पर जब वैसोलेटरल लेयर से बाहर जाता है तो वो तो चले जाता है और बाहर जो चीजें हैं उसके ग्रेडियंट प्रेशर से वो अंदर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे सोडियम बाहर गया तो कितने आयंस जा रहे हैं, सोडियम के 3 आयंस बाहर जा रहे हैं और पोटेशियम के 2 आयंस अंदर आ रहे हैं, ठीक है। कितने जा रहे हैं, सोडियम के 3 आयंस बाहर जा रहे हैं और पोटेशियम के 2 आयंस अंदर आ रहे हैं, इस तरीके से क्या होता है चीजों का ट्रांसफर होता है ग्रेडियंट प्रेशर के द्वारा। और ये चीजें किसके द्वारा हो रही है, क्योंकि भाई सोडियम का लेवल सेल के लेयर के अंदर कम होता है और कॉन्ड्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर सोडियम का लेवल हाई होता है, है ना। पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर ज्यादा रहता है पर कॉन्ड्यूटेड ट्यूबुल्स में कम रहता है, बात समझ में आई। तो इसको क्या जरूरत है, इनको जरूरत है सोडियम को और पोटेशियम को जरूरत है एटीपीज की, एटीपी की, एटीपीएस की। एटीपीएस का करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है, इग्निशन का काम करता है ना। अगर एनर्जी रहेगी चीजों को तभी तो चीजें आगे जा पाएगी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। गाड़ी में पेट्रोल रहेगा तभी तो गाड़ी चल पाएगी, तो ये क्या काम करता है, ये पेट्रोल के जैसे एक्ट करता है एटीपी, यानी इनको एनर्जी देता है जिसके द्वारा क्या होता है इनका ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसकी वजह से ये ट्रांसफर हो पाते हैं एटीपीज की वजह से। तो क्या हो रहा है, सोडियम गया बाहर और बाहर से उसने पोटेशियम को अंदर धकेल दिया, पोटेशियम अंदर आ गया किसकी मदद से, एटीपीज की मदद से। अब जब ये अंदर आ गया तो अब आगे देखते हैं, तो इनके आने जाने के कारण क्या हो रहा है कि 5-6% सोडियम 10 में से 5-6% सोडियम ही क्या हो रहा है अंदर इसमें रह पा रहा है, सेल्स के अंदर कितना सोडियम रह रहा है सिर्फ 5-6% सोडियम रह पा रहा है, बाकी का सोडियम क्या हो रहा है बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, बात समझ पा रही है। बाकी का सोडियम तो अब बाहर निकल गया पर 5-10 में से 5-6% ही सोडियम क्या हो रहा है यहाँ पर रह पा रहा है, अब ये बात हो गई क्लियर। अब जब भी सोडियम जाता है अपने साथ तो सोडियम किस पर लेके जाता है, क्लोराइड को लेके जा रहा है सोडियम, इस चैनल से क्या हो रहा है सोडियम जाता है तो क्लोराइड भी साथ में जाता है, तो इस टर्म को बोलते हैं सिम पोर्टर। क्या बोलते हैं इसको, सिम पोर्टर यानी NaCl सिम पोर्टर बोलते हैं, यानी कि ये Na और Cl दोनों का साथ में जाने को, सेम डायरेक्शन में दोनों चीजों को जाने को बोलते हैं सिम पोर्टर मैकेनिज्म, ठीक है। ये क्या हो रहा है, जब भी सोडियम जा रहा है तो यहां से किसको जा रहा है, क्लोराइड आयन को लेकर जा रहा है, तो क्लोराइड आयन जब सोडियम के साथ जाता है और NaCl बन जाता है पूरा मॉलिक्यूल, और NaCl मॉलिक्यूल जब दोनों साथ में जाते हैं तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं सिम पोर्टर। क्या बोलते हैं इसको, सिम पोर्टर बोलते हैं। और यही, और ये लोग कहां से निकलते हैं, यहां पे एक चैनल बना हुआ रहता है, इस चैनल के थ्रू क्लोराइड ब्लड स्ट्रीम में चल जाता है और सोडियम इस चैनल के थ्रू कहां आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। इस तरीके से क्या जाते हैं, सिम पोर्टर मैकेनिज्म से क्या हो रहा है, दोनों आयंस इकट्ठे जाकर इधर सेल के अंदर आकर क्लोराइड जा रहा है इस स्पेशल चैनल से और सोडियम जो है इस चैनल से ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिल जाता है। इस तरीके से हमने इस सेगमेंट की स्टडी की है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस सेगमेंट की और इस सेगमेंट की हम इसमें स्टडी करेंगे।